Hello everyone, hi and welcome back to our channel. We are Bongus and this is our new video. This is a last teaser के लिए कौन कौन excited है? Let us know in the comment section. 5-12 को छोड़ना. It's not a. I think के वो अपने कंटेंट के लिए दे रिस्क टेकर्स कि हम तूफानी करेंगे. एंड आई वाज वाचिंग द वोट लाइन, वो होम वाले फिल्म में जब दिया हुआ था ना पोल, एवरीवन वाज टेलिंग के ना 5-12 को अलार्म सेट किया हुआ है एंड दे आर गोइंग टू वॉच इट ऑन 5-12, बट वी आर नॉट सॉरी फॉर दैट. हम लोग उठ ही नहीं पाए. और दूसरी बात भी है क्योंकि घर पे रहते हैं तो घर वाले निकल जाओ घर से यही बोलते हैं. सो सॉरी. प्रभास का एंट्री यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्पेशल है बिकॉज की हिज लुक इज गोइंग टू बी डिफरेंट लाइक KGF के साथ. आप लोग सिमिलर शायद वो एक जो शेडी एक डार्क वाला वाइब है वो वाला वाइब ऑब्वियसली इस पे रहने वाला है क्योंकि आप लोग थंबनेल में देख के बोल सकते हैं. सबसे बड़ी अमेजिंग एंड शॉकिंग बात मुझे जो लगी जब हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे थे तो यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन सर थे. आई एम जस्ट इमेजिनिंग अबाउट दिस लुक. Harshan is also there, so I wasn't expecting Shruti Harshan ma'am here, but yeah, बस देखने थे यार. Excited, but don't know पृथ्वीराज सर की यहाँ पर आने वाली है या फिर मतलब उन्हें दिखाने वाले हैं या फिर नहीं. I mean इस teaser में या ये थोड़ा सा confusion है, but यार बिना देखे कुछ भी बोलना सही बात नहीं है. Okay, so 1, 2, and 3 and start. मेरी ना इतने सारे गन्स देख के एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाती है. फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF. सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन. ओके ओके. लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस. अरे अरे, घोड़े में सवार प्रवास थे क्या? दिखा नहीं. Not in Jurassic Park. Oh, shit. क्या? आई दैट क्लास इन दैट पार्क देयर इज अ नहीं करेंगे. इसीलिए कहा था कि पृथ्वीराज सर को दिखाएंगे नहीं शायद. शायद गया 28 सितंबर में. और पार्ट वन पार्ट मैं बता रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड मैं बता रही हूँ, 3 साल बाद भी हम इसी मूवी को लेके और इसके यूनिवर्स को लेके बात कर रहे होंगे. आई मीन कैन यू इमेजिन वट. बट ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टीजर नाउ. कि यहाँ पे वो KGF वाला एक वाइब था ना, वो डार्क एंड ब्लैकिश वाला, या मतलब वो ग्लूमी नेचर जो रहता है वो मुझे एकदम फ्लैशबैक दिला रहा था वो माइन का, कोल माइन का. और यहाँ पे प्रभास का लुक भी उससे इसका वाला ना ऐसा था, मतलब BGM के साथ जो फील हो रहा था उन्होंने ज्यादा. रवि बसरूर सर ने BGM दी है सो बोलने दो माते, माते मुझे बोलने दो. वो जो होता है ना कि स्टॉर्म से पहले एक जो शांति रहती है ना, ये देख के ना वैसा वाला फील आ रहा था. मतलब एकदम धीरे स्मूथली जा रहा है, बट एक्चुअली जो नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है उसमें वो लोग शायद मतलब BGM वाज लाइक धर 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 दैट काइंड ऑफ. एंड पृथ्वीराज सर, लाइक आई रियली लव दिस लुक. मैंने जिस मोमेंट में बोला कि नहीं आने वाले हैं यहाँ पे यार, अगर आप आई नो वी शुड नॉट कंपेयर दिस विद KGF, बट ना हम लोग को तो करना चाहिए क्योंकि उसके यूनिवर्स का हिस्सा है. मगर यहाँ पे अगर आप KGF के बारे में भी बात करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि विलन और हीरो का जो एक यूनिक एक लुक वो लोग कैरी कर रहे हैं, दिस इज लाइक
कि अगर मुझे एक विलन भी खड़ा करना है तो मुझे हीरो के टक्कर वाला विलन खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पे वो नहीं है कि हीरो और विलन का टकरार होता है, टकरार या वो फाइटिंग सीन्स जब होते हैं एंड ही इज लाइक हीरो इज द सुप्रीम और विलन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, वाला विलन नहीं रखते हम लोग। तो यार यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन सर का लुक कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। He was like sitting like उन्होंने कुछ किया भी नहीं, बट वो लास्ट के आखिरी कुछ सेकंड ऐसे ही मतलब उनके लुक से और बैठे जो थे वो देख के ही फायर मचा दिया उन्होंने। बट वी डू नॉट नो कि ही इज ऑन मतलब सलार साइड या फिर उनके ऑपोजिशन में है तो पता नहीं चल रहा है। और श्रुति हसन मैम है यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे लुक या फिर विजुअली क्या है क्या नहीं and कुछ just, भी रिवील नहीं and, किया एंड जस्ट मतलब प्रभास का मतलब इसमें जूता बा चप्पल मत फेंकना के यार टीजर है तुम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड रहता है क्योंकि प्रशांत सर बना रहे हैं। यार प्रभास का लुक बट उसका फेस ही तो नहीं दिखाया, जस्ट फिजिक दिखाया है। फिजिक दिखाया है दैट फ्लिप जो सामने उसे क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ पे एक्शन सीन्स के लिए बहुत तगड़ा काम किया है उन लोगों ने। अभी मतलब स्लो मोशन में देख के मुझे पता बहुत कुछ दिखाया, वाइब आ रहा है। और जो स्टार्ट का डायलॉग था, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट डायलॉग, जस्ट उन्होंने नॉर्मली स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने कहा कि ये सब एनिमल्स ठीक है, दे आर पावरफुल बट नॉट एज डेंजरस एज डायनासोर। मतलब वो बोल रहा है कि ये सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है उस लेवल में। तो आप अगर इसको आई मीन एक्शन के या फिर डिफिकल्टी मोड पे अगर आप कंज्यूम करने की कोशिश करो तो दे आर टेलिंग के यार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, सो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ फॉर दिस। एंड ये पुराना मतलब एंशियंट चीज है, तुम ये यहाँ के चीजों से कंपेयर मत करो। बट आई लव यहाँ पे जो स्लो मोशन में फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं जो कि एक ग्लिम्स ही था मेरे लिए, मतलब ये टीजर से ज्यादा मुझे ग्लिम्स लग रहा था क्योंकि फट फट ऐसे वाला था। यार बहुत ज़्यादा अभी ब्लड रश फील हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट टू और थ्री थिंग्स जहाँ पे प्रभास थे, शायद उन्होंने वो किक किया एंड वो जो मार रहे थे जिनको वो ऐसे गए नीचे से, वो जो गन आए सामने से वो एंड वो गन फेंकने वाला एक पार्ट स्लो मोशन में, ऑब्वियसली मतलब थ्री ऑफ दिस पार्ट्स वर इन स्लो मोशन बट दे वर गिविंग द गूज़बम्स काइंड ऑफ वाइब। और एक बीजीएम की वजह से भी, हाँ BGM was really तगड़ा, yeah really तगड़ा and we know के रवि बसरो but sir one thing I'm really really like confused about कि उन्होंने मतलब इतने सारे पार्ट बना रहे तो कब जाके ये कंप्लीट होगा, एक जो यूनिवर्स बोल रहे हैं तो ये कब जाके फाइनली कंप्लीट होगा। टू ऑफ मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी बोल रहे हैं कि देख रहे हो नहीं, लास्ट में वो जो टू रिवील किया ना, एक पृथ्वीराज सुकुमारन सर का लुक और सेकंड में कि ये पार्ट वन होने वाला है, दैट वाज रियली मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बट आई एम रियली रियली ईगरली वेटिंग फॉर के क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसके लिए वेट करते हैं। वी ऑल आर एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग। बस आप बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। 5:12 में आप लोग उठे थे क्या, मतलब सीरियसली बोलना यहाँ पे सीरियसली बोलना यहाँ पे क्योंकि नहीं। और एक भी एक बात है कि हमारा सिर्फ देखना काम नहीं है, हमें तो करना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। तो अगर नॉर्मली देखना होता तो शायद मैं सुबह सुबह देख लेती, बट नहीं ऐसा, अगर सुबह वीडियो बनाते तो घर वाले बोलते निकल जाओ, हाँ सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टिल द एंड, प्लीज लेट अस नो कि आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा होगा। प्लीज गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक आवर रिएक्शन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके बाय बाय।